लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए राहत बड़ी खबर आई है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में थोक महंगाई दर 3.15% पर आ गई है। बिजनेस डेस्क खाद्य जिंसों और सब्जियों के भाव नरम होने से महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति नरम होकर 2.26% पर आ गई। इस साल जनवरी में थोक मुद्रा स्फीति 3.1% थी। साल भर पहले यानी फरवरी 2019 में यह 2.93% पर थी। सोमवार को जारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2020 में खाद्य सामग्रियों की थोक मुद्रा स्फीति जनवरी 2020 के 11.51% से कम होकर 7.79% पर आ गई। इसी तरह आलू और प्याज की थोक मुद्रा स्फीति भी जनवरी 2020 के 293.37% और 87.84% से कम होकर फरवरी 2020 में क्रमशः 162.30% और 60.73% पर आ गई। पूर्व कारणों से चालू वित्त वर्ष में मुद्रा स्फीति की दर अभी तक 1.92% है, जो साल भर पहले 2.75% थी। इक्रा की अर्थशास्त्री अदिति नैयर ने कहा कि फरवरी 2020 में थोक मुद्रा स्फीति में ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है और यह हमारे अनुमान के अनुकूल है। यह गिरावट मुख्यतः खाद्य सामग्रियों के दाम कम होने तथा कच्चा तेल व खनिजों के दाम में भी कुछ नरमी आने के कारण है। कच्चा तेल और खनिजों के दाम में आई गिरावट का असर आने वाले महीने में अधिक होने वाला है।